क्या पढ़िए क्या सुनी गुणिए क्या वेद पुराना सुनिए क्या पढ़िए क्या गुणिए कहते हूँ पढ़न की रह गया साडा जब इतने पहुंच गया कबीर कह हम पढ़ने वाली की रह की गई केड़ा ग्रंथ पढ़िए हम गुण कोई भी नहीं रहा की गुण होना जो गुण हासिल करिए आयुर्वेदिक का गुण हासिल करिए संसारी टेक्निक कर रहे क्या गुणी है क्या वेद पुराना सुनिए वेद पुराना का सुन के की फायदा पुराना का क्या वेद पहला लगे पुराण बाद लगे वेद का मतलब वेद नहीं है वेद जिते पुराण लगता नाल पुराण का ज्ञान है इतने वेद का अर्थ ज्ञान है क्या वेद पुराण पुराणा का ज्ञान सुन का की फायदा है की लैना है तो हूँ ओरी नहीं लोड़ रही साखियां सुन की लोड़ नहीं रही जिन्हों गुरबाणी की समझ आ गई साखियां का कोई महत्व नहीं वो भाई गुरदास दी बारा का कोई महत्व नहीं वो सब दे विच उल्ट गल्लां ने सब लिखी हुई सब दे विच मनमत है सारिया गुरमत तो दूर कर दिया स्टैंडर्ड की गल ये तो गुरमत ने सब जुड़ नहीं दिंदियां वो तो कच्चियां गल्लां ने सारिया इतिहास सारा कच्चा है इतिहास है उन्हें लिखे गुरदास दी बारा च भी इतिहास है ज्यादा बाबा उत्थे नूं चलिया बाबा उत्थे नूं चलिया किसी गुरु ने भी जिक्र किया गुरु अंगद ने जिक्र किया बाबा उत्थे चलिया उन्होंने क्यों नहीं किया उन्हें क्यों किया इतों पता लगे किसे पंडित दी लिखी हुई बारा ने वो या किसे भट्ट दी लिखी हुई ने भट्ट पंडित होंगे ने वो लिखिया हुई किसे पंडित दी बारा ने भाई गुरदास ने वरत लिया हाँ जी पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिले ओ सोई आप प्राण पढ़ लो ग्रंथ पढ़ लो पढ़े सुनते हो की हो गया भला जो रोज पढ़ते हैं गुरुद्वारे जो रोज सुनते हैं किसी को मिले सहज अवस्था हो किसी की फायदा होया फिर पढ़ने का हो की रहा पढ़े सुने से कथा कीर्तन रोज हो रहा 1925 से तो हो ही रहा अस्सी पचासी साल तो होए गए किनू सहज मिले दसन तो सही सुनाने मिले कि किसी सुनने वाले मिले या रिजल्ट कोई नहीं है दा। क्यों नहीं फिर रिजल्ट है क्यों नहीं एरा मतलब कुछ ना सब कुछ गलत है कुछ ना कुछ गलत नहीं सब कुछ गलत है कुछ ना कुछ गलत होता वह इलाज हो जाता या सब कुछ गलत होता वह इलाज कोई नहीं सब कुछ उल्टा है माया की प्रधानगी आ गई इतने माया आ गई माया की वड्याई आ गई सब कुछ उल्ट हो गया जोगी चंगे थे तो माया नहीं बढ़ दी उन्होंने जोगिया ने ऐसे करके गल की गुरु नानक ने कम से कम माया तो उल्ट इतने तो इतना गर्क हो गया बेड़ा इन्होंने तो माया ही माया दी और कुछ दिता ही है नहीं उतो कहां निकल गए राज राज बिशनू का हिस्से चाहता है जोगियों के हिस्से च नहीं आता गुरु नानक जोगियों ने चर्चा करता है धार्मिक बनता है ये बिशनू मनन लग गए बिशनू बनने फिर बिशनू का नाल पढ़ना जुड़िया है विद्वान नाल जोड़ ले आप राज बह गए तो धर्म का बिल्कुल ही उल्ट गेर लग गया सारा ही गेरे उल्ट है बिशनू तो मनिया ही नहीं होया गुरबाणी ने कुछ समय समय राजे ने होता है हर का नाम ना जप सकबारा क्या सोचे बारंगबारा बारंबारा बारंबार बारंबारा बार बार की सोचना हर का नाम क्यों नहीं जपदा ते हर हर तो लोग करते ही सी हर हर करते सी नहीं हर का नाम जपना उन्होंने मनिया होया हर का नाम ना जप सकबारा हर की है इहदा ज्ञान नहीं ले रहा तू हर की खोज नहीं कर रहा हर की होंगे हर की खोज बंद कर दी तो पत्थर की मूर्ति हर बन लिया प्यारे जो दर्शन देगा खोज ला मूर्ति खोज के देखो जो हर हैगा देख ला भन तोड़ करके टेस्ट करके भी हर हैगा क्या है नहीं उधर निकलूंगी तू कमें मान लिया भी पत्थर जहर है गवार है तू
ਪਸੂ ਹਰ ਕਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹੈ ਕਿਆ ਸੋਚੇ ਵਾਰ 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 ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਆਪ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਬੀਰ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਪਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜਾਂਗੇ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ ਹਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਚਾਨਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ਘੱਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਜੇ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਗੋਚਰ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗੋਚਰ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਚਰਾਵਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਚਰਾਵਤ ਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਾਵਤ ਇਹ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਤਨ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਚਰ ਵਸਤ ਮਿਲੂਗੀ ਰਾਮ ਰਤਨ ਤਬ ਪਾਈਏ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗੋਚਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰੀਰ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਕੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ਘੱਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬਸ ਅੰਤਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਝੀ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੂ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਹਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਆਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਆ ਹੈ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ
संसार का सारा जड़ा मूर्ति है, मूर्ति के बिना हार होता नहीं, पान में परमेश्वर ना ही। हूँ विद्वान कहते जरे जरे चुंदा, जे जरे जरे जब माया जो लिप्त है, लिप्त है फिर तो माया के लिप्त कितने रह गया। असल जो धर्म बारे बिल्कुल रता मसा भी ज्ञान नहीं है विद्वानों, बहुत थोड़े तो थोड़ा ज्ञान भी नहीं है। जेडे मनते हैं कि जरे जरे च है, उन्होंने तो बिल्कुल ही ज्ञान है नहीं। एक पास तो तुम कहना माया तो माया च लिप्त है नहीं, दूए पास कहना जरे जरे च। वो गुरबाणी का कह दिए पान में परमेश्वर ना ही, जड़ है वो परमेश्वर कितने होंगे, तुम कहना जरे जरे च। सिख विद्वान कही दुनिया का कहे सिख विद्वान मनते हैं, जेडे सिख विद्वान मनते हैं वह महामूर्ख ने, महामूर्ख। विद्वान होंगे ने मूर्ख, मूर्ख तो विद्वान होंगे ने सारे ही, पंडित मूर्ख है, महामूर्ख नहीं क्या पंडित, पंडित मूर्ख है क्या है गुरबाणी च, पर साडे सिख महामूर्ख ने, क्यों साडे को गुरबाणी का ज्ञान है, ये महामूर्ख ने उल्टे उन्होंने भी कहा नंगे पंडितों भी जरे जरे जल, पता नहीं किसी गल सुन ली किड़े धर्म दताबा, लोग होर धर्म पढ़ी जाते हैं ना, उन्होंने असर हो गया। वो मनुखा के लिखे ने, मनुख की लिखी गल मनुख को समझ आ जाती है छेती, उन्होंने इन्हों समझ आ गई मनुख के लिखे धर्म ने, तो ये मनुख का लिखा हुआ है नहीं, लिखा तो आदमी नहीं है, पर आदमी उदो मनुख नहीं है, वह शरीर देहधारी नहीं है, वो बुलाया किसी ने बोलिया वह है, उन्होंने समझ आ गए आया नहीं। मन माने लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजे, जो किसी का मन मान दिया ना लोगों नहीं समझ आती इस गल की, मन मन गया दर्शन हो गया, लोग ना भतीजे लोगों ने विश्वास नहीं करना मेरे इस गल से, भाई हां कबीर ने पा लिया या कबीर तू समझ आ गई, लोग ना भतीजा कहते ना भतीजा तो क्या कीजा, कहता फिर मैं की लैना जो नहीं लोगों विश्वास हो, इस गलते विश्वास लोगों करा के मैं लैना की है, मैं इन्होंने तो कोई सरोपा लैना, इन्होंने तो कोई बड़ियाई लैनी है, ना भतीजा तो क्या कीजे, मेरा की टंग तोड़ देंगे लोग, मेरा की नुकसान कर देंगे, नहीं भतीजे ना भतीजन, मैं इन्होंने मना वास्ते नहीं, अपना मन मना वास्ते है, अपना मन मना वास्ते गुरबाणी का ज्ञान लैना, असी लोगों मना वास्ते नहीं लैना, दूजे का दर्श देनी है गल, जिन्हें अपना मन मना है, वह जिन्हें अपना मन मना है वह प्रोसीजर अडोप्ट कर ले, मदद हो सकती है, लैने ने अपना मन मना तो उन्हें फायदा उठा लिया, जिन्हें जिन्हें अपना मन मना होंगे उन्होंने लाभ हो जाता है, वो वास्ते ये अर्थ ने, वो वास्ते ये तो फायदा होना, बाकियों वास्ते कोई उन्होंने तो मन मना ही नहीं अपना। जब पाल समूह सरबर भरा उन्होंने पीना ही नहीं पानी जी ने, उसके मनो दरिया चलता रहे, उन्हें की लैना, उसका दरिया उत्ते तो भी किश्ती बना के लंघ जूगा, मेरा पैर पानी ना लग जाए पैरों, भेजना जाए।